पीलीभीत के ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज के कृषि प्रवक्ता आरपी गंगवार इन दिनों देश के सर्वश्रेष्ठ वृक्षारोपण अभियान को तेजी से जागरूकता अभियान के तहत उनके संरक्षण के लिए सजग है। आपको बता दें, राजकीय इंटर कॉलेज के कृषि विज्ञान एक्सपर्ट ने अब तक अपने कॉलेज कैंपस के भीतर विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से करीब 1700 औषधीय व फलदार वृक्षों को रोपित कर डी गार्ड के साथ साथ छात्रों व वन्य जीवों के संरक्षण हेतु व जल स्तर में बढ़ोतरी हेतु जागरूक कर पौधों के संरक्षण की शपथ दिलाई है। वहीं बैंक या अन्य संस्थाओं द्वारा वातावरण की तराई सौंदर्यता बढ़ाने हेतु वृक्षारोपण लगातार जारी रहेगा। रोपण किया आपने, कहाँ किया, किस जगह? नमस्कार, मैं इंडियन बैंक से हूँ, मैं इंडियन बैंक का मुख्य प्रबंधक हूँ और आज हमने अपने राजकीय ड्रमंड विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्य किया है। हमने आज औषधीय पौधे लगाए हैं। ये 5 औषधीय पौधे जो हमने यहाँ लगाए हैं, जिसमें एक आंवले का पेड़ है, नीम है, पीपल है, जामुन है, शीशम है, और इन पेड़ों की सुरक्षा हम करेंगे। इन पर इस पर पूरा ध्यान रखें कि पेड़ पूरी तरीके से बड़े हों और सबको छाया दें, और यहाँ पर पेड़ों का और पौधारोपण का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। आपका लक्ष्य कितना है, कितने पेड़ लगाएंगे आप? हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो भी पेड़ लगाएं वो अपने पूरे पूरे उम्र तक रहे, एक पूरा बड़ा पेड़ बने। संख्या में बात की जाए तो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हम पेड़ लगाते जा रहे हैं। सर, आज वृक्षारोपण किया गया, अब तक कितना वृक्षारोपण कर दिया गया? मैं ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज पीलीभीत में कृषि प्रवक्ता डॉक्टर आरपी गंगवार। मैंने विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न उनसे जो है अब तक लगभग 1500 पौधों का वृक्षारोपण इस सत्र में कराया है। और वृक्षारोपण ही नहीं कराया है, बल्कि मेरा उद्देश्य यह है कि मैं इन पौधों को सुरक्षित रखूं। पौध लगाना अलग बात है, उनको सुरक्षित रखना अलग बात है, जिससे जो हमारे यहाँ पेड़ों का कटान, जो हमारी तराई बेल्ट है, भावर क्षेत्र है, उसमें पेड़ों का कटान बहुत तेज़ी से हो रहा है। वन्य जीव हैं, उनके लिए रहने के लिए स्थान कम है। आए दिन इस पीलीभीत में घटना होती रहती है कि टाइगर ने इसे मार दिया, उसे मार दिया। एक्चुअल में उनके घरों की छेड़खानी हम लोग कर रहे हैं, तो एरिया उनका कम होता जा रहा है, वो जंगल से बाहर निकल रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि वन्य जीवों के लिए प्रोटेक्शन मिले, और जो हमारा वाटर लेवल है वो दिन प्रतिदिन पीलीभीत में गिरता चला जा रहा है, तो उसको वाटर लेवल को ऊँचा करने के लिए तथा जो यहाँ पीलीभीत वासी हैं, हम लोग हैं, स्वच्छ ऑक्सीजन लें, बढ़िया ऑक्सीजन लें, जो जीव जंतु हैं वो आराम से फले फूलें, बच्चों को प्रेरित करना, संस्थाओं को प्रेरित करना, ये मेरा मूल काम है। और यही नहीं, वृक्षारोपण वन विभाग की तरफ से भी मैं जब भी गोष्ठियाँ होती हैं तो उनमें भाग लेता हूँ और इस तरह के वृक्षारोपण को सहयोग करता रहता हूँ।